दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अलजज़ा में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको कतर के होम क्वारंटीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि बहुत से लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि क्या कतर में होम क्वारंटीन आप लोग ले सकते हैं अगर आपने कोविड की दोनों वैक्सीन लगाई हैं, या फिर होम क्वारंटीन नहीं ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँ तो बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, गर्ल्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों नमाज पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि कतर में 2 अगस्त से नया रूल आया था क्वारंटीन का, तो वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आप लोग ऑन अराइवल वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको दोनों डोजेज लेना मैंडेटरी है, उसके बिना आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों अगर आप लोग जॉब वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा, बिजनेस वीज़ा पे कतर जा रहे हैं तो आप लोग क्या होम क्वारंटीन ले सकते हैं, तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जॉब वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे कतर जा रहे हैं तो आप लोग को लाजिम जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लाजिम होटल या मैकनीस क्वारंटीन लेना पड़ेगा। होम क्वारंटीन की सर्विस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी जो कॉस्टिंग है वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि 1377 रियाल आपके मैकनीस क्वारंटीन की है, और होटल की जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो है आपकी 4600 रियाल, उससे कम कोई भी नहीं है। अब रही बात दोस्तों उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी कतर में थे और छुट्टी आए हैं, या फिर कतर से जो है एग्जिट आए हैं लेकिन उनकी वैक्सीनेशन कतर में हुई है और वो फिर कतर वापस जा रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या आप होम क्वारंटीन ले सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि उस केस में भी आपको जो है 2 दिन का लाजिम होटल क्वारंटीन लेना पड़ेगा। 2 दिन से कम का होटल क्वारंटीन अवेलेबल नहीं है, आपको 2 दिन का होटल क्वारंटीन लेना ही पड़ेगा। और रही बात दोस्तों आपके होम क्वारंटीन की, तो वो अभी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और फिलीपींस के लिए होम क्वारंटीन बिल्कुल भी नहीं है, आपको लाजिम जो है दो दिन का होटल क्वारंटीन लेना पड़ेगा, जिसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो है 1052 रियाल, 1052 का आपको 2 दिन का 5 स्टार होटल में क्वारंटीन लेना पड़ेगा। और वो लेने के बाद फिर आप का PCR टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आता है तो आप अपने काम पे या कतर में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।